बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी वो भी नहायत ही इंस्टेंट किस्म की रेसिपी है। आज की रेसिपी का नाम है इंस्टेंट एंड इजी चिकन सैंडविचेस। बगैर वक्त ज़ाया किए रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में एक कप के करीब श्रेडेड चिकन ले लेंगे। इसमें मैं शामिल करूँगी, मेरी चैनल पर मैंने एक रेसिपी शेयर की हुई आपसे ऑलरेडी, गार्लिक एंड चीज़ मायो डिप। मैं ये शामिल कर रही हूँ। अगर तो आपके पास ये डिप अवेलेबल ना हो तो आप मायोनीज़ डायरेक्टली इसमें डाल के उससे भी बना सकते हैं। ये डिप मैं डाल रही हूँ यहाँ पर तकरीबन हाफ कप के करीब। मिक्स कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये तैयार हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें हम ब्रेड के जो साइड्स हैं उन्हें हटा लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं तकरीबन 6 अदद। आप अपनी अकॉर्डिंग जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ले सकते हैं। सारे ही स्लाइसेस के हम साइड्स हटा देंगे। जी व्यूअर्स, सारे ही स्लाइसेस के मैं जो साइड्स हैं वो हटा चुकी हूँ। अब हम सबसे पहले केचप की एक लेयर डालेंगे ब्रेड पे। फैला लेते हैं इसे। सुबह के टाइम जिस वक्त बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बहुत अर्ली और बहुत तेज़ी वाला टाइम होता है वो, तो उस टाइम के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। अगर आप ट्राई करें अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। अब इस पे हम डाल लेंगे जो हमारा चिकन का हमने पेस्ट तैयार किया है डिप के साथ। फैला लेंगे सारा चिकन तमाम एजेस की तरफ ताकि हर बाइट में आपको फ्लेवर फील हो चिकन का और डिप का। दूसरे स्लाइस पे भी थोड़ा सा केचप लगा लेते हैं। इसे फैला लेते हैं। कवर कर लेते हैं जो फर्स्ट हमारे पास लेयर है उसको सेकंड ब्रेड स्लाइस के साथ। थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि सैंडविच ज़रा सेटल हो जाए। इसी तरह से मैं बाकी भी फिल कर लूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, तकरीबन सारे ही जो सैंडविचेस हैं मैं उनको फिल कर चुकी हूँ। अब हम इसे काट लेते हैं हाफ। जी तो व्यूअर्स, तैयार हैं हमारे इंस्टेंट एंड इजी चिकन सैंडविचेस। मैं आपको शो कर देती हूँ, ये कुछ ऐसे अपेयर होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रेसिपी वाकई में अच्छी लगेगी, ख़ास तौर पे बच्चों को। अगर तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो नोटिफिकेशन मिल सकें। शुक्रिया।